हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो लेट अस सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो हियर इज अ वीडियो फॉर यू ऑफ फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज बेस्ड ऑन सॉल्व एमसीक्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू इज अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर सप्लाईज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। व्हेन द सेम बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 5 ओम रेजिस्टर इट सप्लाईज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ आर इज 4 ऑप्शंस आर गिवन 2 ओम, 1 ओम, 0.5 ओम एंड 0 ओम। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमको क्या क्या दिया गया है पहले हम ये जान लें। सो व्हाट इज गिवन, इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है और पहली कंडीशन जब हम इसको 2 ओम रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो 4 एम्पियर का करंट मिलता है। तो ये इक्वेशन बन गया 4 इक्वल टू ई बाई आर प्लस 2। इंटरनल रेजिस्टेंस आर और बाहरी रेजिस्टेंस जो है 2, तो आर प्लस 2, तो भी बराबर आई आर। ये फार्मूला आपने पढ़ा है 4 इक्वल टू ई बाई आर प्लस 2, तो ई इक्वल टू हो गया 4 आर प्लस 2। अब दूसरी कंडीशन दी है व्हेन द सेम बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 5 ओम रजिस्टर इट सप्लाई अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। सो 2 इक्वल टू ई बाई आर प्लस 5। तो दिस इक्वेशन ई इक्वल टू 2 आर प्लस 5। अब दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में ई लिखा हुआ है यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो 4 आर प्लस 4R प्लस 2 इक्वल टू 2R प्लस 5। इसको सॉल्व करने पे आता है 2R इक्वल टू 2, तो R इक्वल टू जाता है 1 ओम। ये इसका सॉल्यूशन है, ये ऑप्शन सी या ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इन अ सर्किट शोन इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फॉर विच पावर ट्रांसफर्ड बाई द सेल इज मैक्सिमम। 4 ऑप्शन आर गिवन 4 ओम, 12 ओम, 16 ओम एंड 8 ओम। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द सर्किट। आपको ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है R, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। और यहाँ पर आपको ये पैरेलल में दिखाई दे रहा है 12 ओम और 4 ओम और 4 ओम और 12 ओम। तो हम लोग ये देखेंगे कि यदि ये सीरीज में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे जब हम सॉल्व करेंगे, तो 12 एंड 4 16 हो जाएंगे और ये भी 16 हो जाएंगे। तो 16 और 16 पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इनको हम फार्मूला लगा के इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। फॉर मैक्सिमम पावर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। ये आर इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये जो आर इक्विवेलेंट है ये हमने बताया कि 16 ओम ऊपर ये जुड़ा हुआ है और 16 ओम यहाँ, दोनों पैरेलल में। इनको जब हम जोड़ते हैं तो ये फार्मूला लगता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आ गया R इक्वल टू 16 इंटू 16 अपॉन 16 प्लस 16 256 अपॉन 32 इक्वल टू 8 ओम। ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, इफ वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब डिक्रीजेज बाई 1% देन परसेंटेज चेंज इन द पावर आउटपुट इज 1%, 2%, 4%, 5%। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी पी बाई पी इक्वल टू 2 डी वी बाई वी। तो यहाँ पे हमको दिया गया है कि वोल्टेज 1% डिक्रीज होता है तो 2 डी वी बाई वी, तो 2 यहाँ पे रहने देंगे और डी वी बाई वी 1 बताएंगे, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2%। इस तरह से आंसर आ गया 2%। अगला क्वेश्चन, अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 16 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 4 ओम, 8 ओम, 32 ओम और 64 ओम। इनमें से क्या ऑप्शन सही है आपको पता लगाना है। इसके लिए फार्मूला है आर एफ इक्वल टू एन स्क्वायर आर। कितनी बार इसको मोड़ा गया है,
इसमें दिया गया है स्ट्रेस टू डबल इट्स लेंथ, यानी कि n इक्वल टू 2 है तो n की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर इंटू आर, आर यहाँ दिया है 16, तो 2 का स्क्वायर इंटू 16, तो 4 इंटू 16, तो 64 ओम, ये आपका आंसर आ गया। यदि तीन बार मोड़ा होता तो यहाँ पे 2 की जगह 3 रख देते। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बैटरी ऑफ EMF 4 गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, 4 ऑप्शन आर गिवन हियर, वी हैव टू फाइंड द आंसर। देखिए इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, फार्मूला ये है E इक्वल टू आई आर प्लस आर, इसमें से एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक गिवन रेजिस्टेंस है, गिवन रेजिस्टेंस 18 ओम है, तो E इक्वल टू 4 दिया गया है, 4 लिख दिया, आई करंट कितना दिया है 0.2, आर प्लस आर तो एक दिया है 18 और एक का पता करना है, तो आर प्लस 18, तो ये 2 यहाँ है तो यहाँ भाग में चला जाएगा, 4 अपॉन 0.2 इक्वल टू आर प्लस 18, इसको और सॉल्व करेंगे तो 40 अपॉन 2 आर प्लस 18, इस सॉल्व हो गया 20 इक्वल टू आर प्लस 18, आर इक्वल टू 20 माइनस 18 इक्वल टू 2 ओम, तो आर की वैल्यू हमको पता चल गई 2 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है उस बैटरी का। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये क्वेश्चन कहता है अ वायर हैज रेजिस्टेंस 24 ओम, इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 6 ओम, 4 ओम, 3 ओम और 12 ओम। देखिए पहले हमारे पास एक वायर था, इस तरह से सर्कल नहीं था, पहले केवल एक वायर था, उस वायर का रेजिस्टेंस 24 ओम था। अब उस वायर को हमने ऐसे गोल गोल कर दिया, इस तरह शेप में ला दिया, तो इसके डायमीटर में दो पॉइंट लेना है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ और यहाँ हमने पॉइंट ले लिया तो एक हिस्सा हो गया ये वाला, ये ऊपर का, तो इसका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा 24 का, तो ये हो जाएगा 12 ओम। इसी तरह से ये नीचे वाला हिस्सा है, ये भी आधा हो जाएगा, ये भी 24 का आधा 12 हो जाएगा, तो 12 ओम इधर, 12 ओम इधर। अब आप जान सकते हैं कि ये किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं या सीरीज में, तो ये पैरेलल में जुड़े हैं, ये ऊपर और ये नीचे अलग अलग, तो ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो 12 और 12 पैरेलल में जुड़े हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये हम फार्मूले से पता कर लेंगे। R अपॉन 2 इक्वल टू 12 ओम है क्योंकि 24 हमको दिया हुआ है R, इन पैरेलल अरेंजमेंट जब करते हैं तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, R1 R2 तो 12 ही हैं, 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12 तो 144 अपॉन 24, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हमको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जैसे जैसे सॉल्व करते जाते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और हमको कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगता है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो सॉल्व करना अधिक से अधिक ज़रूरी है, और जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, रिवाइज योर कोर्स वेरी वेल एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड योर बोर्ड एग्जामिनेशन। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।